एएसआई नहीं है, बाहर गए हैं। चार्ज में कौन है? एएसआई। मैं एसआई से मिलने आया हूँ। क्या है? वो कब आएंगे? मुझे बताओ, ये सब भी एसआई साहब से ही मिलने आए हैं। मैं यहाँ एसआई हुआ करता था पहले। सर, अब लॉन्ग लीव पर हूँ। मैं यहाँ दो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आया हूँ। मैं ड्यूटी पर था तब के। मार्टिन शीबा मर्डर केस, क्राइम नंबर 252/17। हाँ, सुना है मैंने। फिर उसी साल सितंबर महीने में रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग करने वाले एक आदमी का एड्रेस डिटेल, कोई चंदन माने, 184 में कंपाउंड देखे भेजा था। इतने पुराने रिकॉर्ड्स? TR5 का रसीद बुक होगा ना, नहीं तो इशू रजिस्टर देख लो। ये बात नहीं है सर, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ है इसलिए मैं वेट करता हूँ। आप अंदर बैठिए सर, हमें ढूंढने दीजिए। चलिए। आप बैठिए सर। सर, हम लोग यूं ही ऐसे कैसे दे देंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऊपर से कह रहे थे कि छुट्टी पर हैं। हाँ। कौन जाने क्या क्या घोटाला करके छुट्टी पर गए हैं। सर को आने दीजिए, तब तक हम यूं ही बैठा के रखते हैं। हम ढूंढ रहे हैं सर, लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपके लिए कुछ ठंडा गरम मंगाऊं मैं? यहाँ पर रामू की शॉप है ना, जहाँ चिकन मटन मिलता है, मैं वहाँ से कुछ खा के आता हूँ। वो अब टी स्टॉल नहीं है सर, श्याम जी की मौत के बाद उसके बेटे ने वहाँ होटल बनाया है। अंकल, आपके लिए कड़क चाय बना दूं? इनका कितना हुआ? एक वड़ा पाव और चाय। हाँ। अरे सर, आपको मैंने एकदम से पहचाना नहीं, आप सर्विस में वापस आ गए सर? नहीं। तो आप सर्विस में 7-8 महीने ही रहे? रामू जी को गुजरे हुए 1 साल होने को आया। अरे नहीं सर, छुट्टे वापस कर। जी, बड़े साहब यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी देखता हूँ। तो आप यहीं रहने वाले हैं? चलता हूँ। जी अच्छा। काफी हद तक हमने ढूंढ लिया, 3 साल पुरानी है इसलिए। वो मर्डर फाइल कहीं एसपी ऑफिस में तो नहीं भेज दी है? रैश ड्राइविंग की फाइल भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, हजारों फाइलें हैं वहां पे, आप तो जानते ही होंगे। कहो तो मैं मदद करता हूं, यहां की शेल्फ अलमारियों से वाकिफ हूं। सर, छुट्टी पर गए एसआई को सल्यूट करने का रूल है क्या? ये पुलिस का सल्यूट नहीं है सर। ये वही है ना, आपके जाने के बाद मेरी लॉटरी लग गई, ये मुझे दे दी। चाबी देना।
आइए सर। क्षेत्र में खुशहाली आ सके, हमारा चुनाव चिन्ह अटारी, हमारा उम्मीदवार सुधाकर श्रीवास्तव। ये पकड़ी। हाँ दूसरा वाला सर। वो दोनों दे दीजिए। दीजिए। मदन भाई आइए सर। कौन है ये हाईवे? ओ साहब आप क्या हुआ गाड़ी में कुछ? अरे कुछ नहीं, जेब से पर्स गिर गया था, मिल गया। साहब कुछ फड़फड़ाते झींगे हैं मेरे पास, अभी अभी झील से पकड़े, घर पहुंचा देता हूं। नहीं रे। अरे साहब पिछली बार पहुंचाया था तो बच्चों ने मजे से खाया था, अगर घर जा रहे हो तो बता दो, कॉटेज में पहुंचा देता हूं। तो सामने से हट जा। साहब हमेशा की तरह सवारी खत्म करके वो ऑटो घर पे छोड़ के यहाँ आया और एक बोतल ताड़ी पी के चला भी गया। कहाँ गया था पता है? हमेशा तो यहाँ से घर ही जाता है। उस दिन वो लौट आया, ठेका बंद करते वक्त 4 बोतल ताड़ी और पी ली। तुमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उसने कहा मार्टिन के घर। वो नेक लड़का है साहब, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। दोनों भाई बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, बहन की शादी लगभग तय हो गई है। तू आज भी ताड़ी में डायफ्रेम मिलाता है, ऐसी बाहर उड़ती हुई खबर फैली है। एक पुराना केस है, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, जब चाहे तब ओपन हो सकता है। Thank you.
हवा फैलाकर वोट मांग रहा है हमारा विपक्षी उम्मीदवार। मेरे विधायक बनने के बाद पिछले 5 साल के क्राइम रिकॉर्ड की जांच करके देख लीजिए। क्रिमिनल केसेस की तादाद जो 10,000 से भी ज्यादा थी वो आधी हो गई है हमारे चुनाव क्षेत्र में। एक डबल मर्डर केस जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है उसके बहाने यहाँ की व्यवस्था को जंगल राज साबित करने पर तुला है वो महोदय। गौर से सुनो मेरे विपक्षी मित्र, अगर यहाँ हमारी हुकूमत है तो हम ये केस जरूर सुलझाएंगे। नालायक निकम्मा कहकर आपने जिस पुलिस की बेइज्जती की है वही पुलिस ये केस सुलझाएगी। जाओ डीवाईएसपी पहुंचे आ गए, लेकिन एक छोटा सा इश्यू हो गया। अजीत सर के आते ही धक्कम धुक्की हो गई, उन लोगों ने सर की टोपी निकाल के फेंक दी। एग्जिट पोल निकाल कर देखो, 2 हफ्ते पहले का रिजल्ट नहीं है अभी। तुम्हारे निकम्मेपन की सजा मुझे मिल रही है। अभी तक जो नहीं जानता था वो भी जान जाएगा। पूरा मीडिया बाहर खड़ा है। चुनाव में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। अरे तुमसे नहीं होता है तो बोलो, काम जानने वाले पुलिस वालों को मैं ले आऊंगा। वर्दी पहन के यहाँ वहाँ घूमने वाले यूजलेस फेलोस, अभी तक कुछ भी सुधार लाने में कामयाब हुए हो तुम लोग? मुझे रिजल्ट चाहिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद नहीं, 2 दिन के अंदर चाहिए। यहाँ खड़े सभी कौन थे बोलो? गुंडे थे सर, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लाया था उनको। उस रघु दादा के पिल्ले हैं वही ना जिसे हमने बाहर से उठाया था, और वो डैनी, दोनों इस वक्त पार्टी ऑफिस में ही बैठे होंगे। उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते ना। अभी जो धोया वो मेरे भाई की तरफ से। डियर मालू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you, happy birthday
कब से इंतजार कर रहे हैं? हेलो सर, एक मिनट। हाँ उसे भी खिलाओ मालू। हाँ सर, सर पार्टी ऑफिस में गुंडों को छुपाया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए गए सर। जब वो लोग हाथापाई पर उतर आए तो सेल्फ डिफेंस में सर, वो सर मैं वॉर्न करूंगा ना, जरूर करूंगा। यस सर, मैंने आपसे कहा ना सर, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ है, बस एविडेंस में 19-20 जोड़ने की बात है। ऊपर से मर्डर केस है सर, उसी ने किया है सर, कोई शक नहीं है। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर। समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर सर सर, हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहां पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूं मैं। फिर इतनी रात को तू कहां जा रहा है? रामू दादा, हाँ बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है मैंने। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली। उसने ऐसा बोला, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा। हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। कुछ भी हो, इस समय तू वहां मत जा। अरे सुनो तो। अक्यूज्ड वहां से सीधे मार्टिन के घर पहुंचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए, अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है, हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना प्रॉमिस नहीं तो और क्या कुत्ते। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खोके गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था, तब मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घूमता गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिबा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया। उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से इनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारी के एविडेंस खो गए थे, मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन में बुलाया। सस्पेक्ट तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था, लेकिन ऐन मौके पर उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई दहेज की समस्या को लेकर। पर यह भी तो कहां सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है। ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा, और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो
महसूस नहीं हुआ कि झूठ है? बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूं, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर। आ रहा। अरे अरविंद, तुम आज कॉटेज जाओगे? हाँ, आज छोटे चाचू कहीं नहीं जाएंगे, है ना चाचू? मैं कल सुबह जाऊंगा भाई। हम भी कल ही जाते तो अच्छा था। हाँ हाँ, जैसे स्कूल। चार सर्जरी कल के लिए पोस्टपोन करके रखा है, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाता। हाँ, ये कौन सी नई बात है। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। अरे तू तो उधर का रास्ता ही भूल गया, बच्चे मिस कर रहे हैं तुझे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना दीदी। अच्छा, आकर एक बार शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं है तुझे? तो ठीक है अरविंद, सुरेश के पॉस्को केस की हियरिंग 23 को है ना, तो हम वहीं मिलेंगे। ठीक है। सुना दीदी, अदालत में मेरी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वकील जी। कुछ भी, चल चल, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से बेल नहीं मिली, इस बार थोड़ी मेहरबानी करना। जी देखते हैं। तो हम चलते हैं। बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बोलो क्या प्लान? हम लूडो खेलेंगे। अच्छा आइडिया है अरविंद, ऊपर आ। मैं अभी आता हूं। हमको खेलने दो ना प्लीज। खेल खत्म। अब तुम दोनों वायरलेस की बातें सुनते बैठे हो। कोबरा, पैंथर, ज़ेब्रा। डेल्टा 1 आंसरिंग। डेल्टा 1 कंट्रोल सर, हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिली है कि टूरिस्ट एरिया के सभी होटल्स और उनके आसपास की दुकानों को चेक किया जाए। ओके, समझ गया रोजर। तेरी गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक डिसाइड नहीं किया, एक दो गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है। स्विफ्ट ही ठीक रहेगी, तेरे लिए वही सही है। वो तीनों कमजोर ऑफिसर्स नहीं है, मुरली ने ही ये किया है, 100% यकीन है उन्हें। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी। खामखा किसी निर्दोष को फंसाए ऐसे लोग नहीं है, ना वो ना मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाई, मैंने लॉ छोड़कर जब सर्विस ज्वाइन की तब एक अच्छा पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था अपने आप से। आपको देखकर ही मैंने ये फैसला किया था, आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है, वरना पिताजी की दी गई ज़मीन पर खेती बाड़ी करके बैठ जाता। लेकिन अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। जब मैं शोलापुर में ऐसा था, किसी ने एक छोटे बच्चे को बेरहमी से चाकू मार दिया, हमने मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? जिस चाकू से खून हुआ, पुलिस वो अदालत के सामने पेश करने में नाकाम हुई, होना ही था, क्योंकि खून करने के बाद उसने चाकू समंदर में फेंक दिया। रिया हो गया और मेरा सीधे ट्रैफिक में ट्रांसफर। उस वक्त DSP साहब ने मुझे लाख समझाया था, अगर वो चाकू नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और चाकू पेश करो। ऐसा ना करने वाला मैं बेवकूफ। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी भी क्रिमिनल के मास्टर प्लान की वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो हम में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। पावर तो सिर्फ वर्दी की है, एक भी कमीना नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। फिर भी मुरली है ये पूरी तरह से, उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव, दोनों इसके खिलाफ इतने स्ट्रांग है और किसी सस्पेक्ट में नहीं है। उसका फालतू रोना धोना देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है तू। उसकी एक्टिंग से पता चलता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। डोंट बी फूलिश, एक्सपीरियंस वो भी पुलिस का एक हथियार है, उसी से हमें मिलता है एक सिक्स सेंस। वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, कोई 5-6 साल बाद तुझे समझ में आ जाएगा। मुझसे ही सीख ले, गलत नहीं होगा। hmm.
क्या हुआ भाभी? एसपी ने कॉल किया था 3-4 बार। वो तो गहरी नींद सो रहे हैं, ज्यादा पी रखी थी इसलिए। उन्हें टेंशन आ जाए तो तुझे पता है ना। अब देख, उनका मैसेज भी आया है इसमें। कल सुबह एसपी ऑफिस में कोई प्रोटेस्ट, धरना वगैरह कुछ होने वाला है, ऐसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कहा है, उस मर्डर केस को लेकर। बहुत जरूरी है तो उन्हें जगाऊं? नहीं, सोने दीजिए। आप भी सो जाइए, यह मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। प्रमोद, आप जाके उसे प्यार से बुलाकर लाइए, आपको वो बहुत मानता है। मुरली, अरे साहब, आप इस वक्त कैसे? आइए ना, जरा यहां आना। हैं साहब? आना। हाँ, मुरली आजा। क्या बात है साहब? एक आध बात पूछनी थी तुझसे। कैसी बात मदन जी? तू आ तो सही। हैं? चल बैठ गाड़ी में, बोला ना बैठ। अरे बैठा, चुप, शोर क्यों कर रहा है? चुप, चिल्लाना बंद कर। अरे गाड़ी में चुपचाप बैठा, चल बैठ। अरे नाटक मत कर, छोड़ दीजिए मुझे। अरे चुप, मार नहीं खाना तो गाड़ी में चुपचाप बैठ, चल। मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए मुझे। कितनी बार बोलना पड़ेगा? चुप, वो नहीं बोलना, चुपचाप बैठ। आखिर मैंने किया क्या साहब? आप बोल रहे थे छोड़ दो। अरे तुझे समझ भी नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठा। चल, चला जा। यहाँ क्या है साहब? अरे चल। चल चल, आगे चल। अरे मुझे भी आने दे। आजा आजा। घाव का निशान दिखना नहीं चाहिए जी।
क्या क्या किया साफ साफ बता, वरना तू यहाँ उल्टा लटकेगा। हथियार कहाँ छुपा है, चल बताओ। बस कीजिए सर, ये बता देगा। ए मुरली, तुझे उस रात नए खेत के पास जाते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। सुन, अगर हथियार वहीं कहीं छुपा देखो यहीं पर है। सर मिल गया। आप लीजिए ना भाई, लीजिए लीजिए। कांग्रेट सर। कांग्रेट, थैंक्स भाई। आप चलाइए ना, सबसे पहले आप ही चलाएंगे। पिकअप अच्छा है। ये तो मस्त है, अब तुझे उस फटफटी से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, वही मेरा फर्स्ट लव है। हर रोज इवनिंग जॉब और ट्यूशन करके खरीदा है उसे, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो कभी कभार के लिए। ब्यूटीफुल कलर सिलेक्शन, लेग स्पेस भी बहुत है।
लेकिन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ना। बेंस बुक किया था मालू, मगर वो कलर नहीं मिला। ओह, इसका ईएमआई कैसे भरूं वो सोच रहा हूं। शराब का धंधा करने वालों से दोस्ती कर लेना चाचू, अच्छी कमाई होगी। घर में सोच समझ के बात करनी चाहिए, समझे? अच्छा, तो इसे क्वार्टर्स ले जा रहे हो ना? हाँ, इन दोनों को कल स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने का वादा किया है, वहीं से निकल जाऊंगा। पता नहीं मैडम इस छोटी गाड़ी में कॉलेज जाएंगे या नहीं। हाँ। ड्रॉप तो आप कर दोगे, लेकिन ट्रीट भी देनी पड़ेगी। क्या बात है प्रमोद, बाहर लंच करेंगे, चलेगा क्या? चला लूंगी। अच्छा, कल बांद्रा वेस्ट में मैं नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, तब वहां पर एक गाड़ी आई, डस्टर। देख के पता चल रहा था कि ड्राइवर ने पी रखी है। जब उसे पूछा कि वो कौन है, कहां का है, तो वो बिना सर पैर का जवाब देने लगा। मुझे तो लग रहा था कि वो गाड़ी भी चोरी की है। मैंने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और जब उस गाड़ी की तलाशी ली, तब स्टेपनी के नीचे से ये पेपर स्प्रे मिला और फिर ये भी। शक की वजह से इसे ऑन करके मैंने अपने ही नंबर पे डायल किया। ये मार्टिन का नंबर है जिसका मर्डर हुआ था। ये वही मिसिंग फोन है सर, उसकी जानकारी के बिना मैंने इसे अपने पास रख लिया। फिर वो आदमी रैश ड्राइविंग का चालान देकर छोड़ दिया। छोड़ दिया? और कौन कौन था टीम में? मैं अकेला ही हैंडल कर रहा था सर। शक होने की वजह से मैंने बाकी लोगों को दूसरी गाड़ियों को चेक करने के लिए डाइवर्ट कर दिया। ये ऐसा कोई है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है? नहीं सर, ये कोई चंदन माने है, लाइसेंस में वही नाम था। इस बारे में तुमने उसे कोई हिंट दिया या उसने कुछ कहा? नहीं सर, मैंने कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा उसे। जिस केस का कन्फेशन हो चुका है। कन्फेशन हो चुका है तो उसे कस्टडी में लेना चाहिए था ना सर। कस्टडी में लेकर क्राइम सीन से मिस हुए मोबाइल को रिकवर किया है सर, और पेपर स्प्रे जो मॉडस ऑपरेंडी का भाग है। सेशंस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, गवाह भी पेश हो चुके हैं, हमारा अब इसमें कोई रोल नहीं है। मुरली के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं उसके बारे में क्या सफाई देंगे? पिछले 3.5 महीने से वो जेल में पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ये कहने से मसला मिट नहीं जाएगा। वर्दी उतार कर जेल जाना पड़ेगा, मुझे, तुझे और इन सबको भी। तो फिर क्या करना होगा आपको, मुझे और इन सभी को? वो दारू पीकर रैश ड्राइविंग करने वाला बस एक आदमी है, इसके अलावा उसके बारे में कुछ मत सोचो। तो मुरली का क्या होगा? उसे बाहर आने दो, हम उसकी कुछ मदद कर देंगे। ये आग है सर, छूने से जल जाएंगे, इसे भूल जाना ही ठीक होगा। आगे भी कभी क्राइम हो जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो हाथ लगे उसे मुजरिम बना लो, है ना मदनलाल जी? यही है सिस्टम, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब तक ये मंत्री, पॉलिटिक्स और चुनाव रहेंगे ना, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं। ये 5 ना होते तो कोई और 5 होते। वो हम 5 नहीं हो सकते सर, जिसमें मैं शामिल हूँ वो 5 तो बिल्कुल नहीं। इस फैसले के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। काफी है, अगर सिर्फ एक में ही जिगर है तो उसी का फैसला काफी है। इतना ही जिगर है तो जा, जाके सबूत लेकर आ, जा। गेट आउट। क्राइम सीन से कुछ हेयर स्ट्रैंड कलेक्ट किए थे, फिंगरप्रिंट्स भी। मार्टिन ट्यूशन दिया करते थे ना, बहुत से बच्चों का आना जाना हुआ करता था, और गेस्ट भी आके गए होंगे। वो पॉसिबिलिटी मैंने एलेक्स सर से डिस्कस की थी। मुरली के सिवा दूसरे सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करे ऐसा कुछ मिला? नहीं, और फिर मुरली का नाम पक्का होने के बाद उस एंगल से सोचने की जरूरत नहीं थी, और फिर सिर्फ मुरली का ही ब्लड स्ट्रेन क्राइम सीन से मिला था। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? नथिंग, जस्ट अ छोटा सा क्लैरिफिकेशन, दैट्स ऑल। ओके, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, किसी के साथ डिस्कस मत करना। सर मैं राइटिंग में कुछ फिलहाल नहीं चाहिए, पहले मुझे देखने दो। वैसे इसमें तुम्हारा बड़ा भाई भी इन्वॉल्व्ड है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अजीत,
उम्र छोटी करने की कुछ कोशिशें चल रही हैं सर। मेरे होते हुए तो फिर तो देखना ही पड़ेगा। आओ एलेक्स बैठो। सर तुम जा सकते हो। तुम भी नाजीद, 100 साल पुरानी स्कॉच का लालच देके चकमा दे दिया मुझे। तुम्हें मालूम भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सिक्योरिटी का काम करते करते लेट हो गया था। आज पक्का। सर कम बैक टू माय ऑफिस। सर आईजी अपनी फैमिली के साथ 2 दिन के लिए वेकेशन पर आए। वो कहां कहां जाना चाहते हैं पता लगाओ और उनके साथ जाओ। वो इस शहर से अनजान है। मैम द कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स वाज सो ह्यूज दैट द डोयन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जमशेदजी नौरोजी टाटा रिकंस्ट्रक्टेड इट टू द प्रेजेंट फॉर्म। द इंटेंशन वाज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीबिटिंग वर्क्स ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स एंड आल्सो टू प्रमोट। सॉरी I was in a meeting. Okay. Myself, Divakar Pandey. Hello. Gallery manager. IG sir hasn't come? No sir. मेरे पति बहुत busy रहते हैं. Oh. He has sent someone to escort us and escaped. Okay. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा. Sure. Enjoy yourself. Excuse me. Toilet कहाँ है? It's over there, ma'am. End of the corridor, okay. Left side. Please take him. Okay, ma'am. So what I was telling you. यहीं पर है. This is known for its unique fine arts and crafts. क्यों? Why can't you take him, huh? You go with him. B12 SI answering sir. Odisha के Chief Justice 5 बजे पहुंच रहे हैं। Escort पर जाना है। Sir driver ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है। गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं है। तो क्या हुआ? तुम driving नहीं जानते? Driver नहीं तो गाड़ी तुम चलाओगे। ऐसा एक rule है तुम नहीं जानते? या फिर ये order भी अलग से लिख के देना पड़ेगा जनाब को। एयरपोर्ट से पिकअप करके जहाँ जहाँ उनकी मीटिंग है उन्हें वहाँ ले जाके डिनर के बाद जब तक वो होटल नहीं पहुँचे तुम उनके साथ में रहोगे चाहे जितना भी लेट हो जाए। ड्राइविंग करने में शर्म आती है इडियट। जो कहता हूँ वही करना तुम्हारा काम है समझे? आंसर मी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस DIG के समक्ष मुंबई बोरिवली ईस्ट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर अरविंद करुणाकर की नम्रतापूर्वक विनती। सर मुझे अपने जाति तौर पर और फैमिली के तौर पर कुछ अनअवॉइडेबल कामों को अंजाम देने के लिए अक्टूबर 4, 2017 से लेकर 5 साल तक वेतन रहित छुट्टी मंजूर करने की मैं अपने सुपीरियर से विनम्रतापूर्वक विनती करता हूं। आशीष ओवर देयर। ओके अरविंद क्या यार कहां कहां ढूंढना पड़ता है तुम्हें। आई टोल्ड यू नॉट इट्स द लास्ट डे ऑफ द सेल। कुछ मिला? एंड लिसन देयर इज दिस लवली सोफा सेट ऑन सेल शुड वी चेक इट आउट। बहुत खूब। मेरे अकाउंट में 6,000 ही होंगे कुछ टोटल। लेट मी सी। Okay, I'll use my credit card. But it's on both of us, okay? Okay. मालू है। A little left. Little more.
Yeah, perfect. That will give us more space. Okay. Thank you. Thank you, sir. कैसा लग रहा है? Cool. मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना हमें सोफा सेट की जरूरत है. सही है. I would never have thought of that. Genius. Coffee? Why not? By the way, श्रीराम सर कह रहे थे मूड कोड अगले महीने में होगा. हो सकता है मैं और फिरोज हूँ उसमें. He's always partial towards you. मेरी काबिलियत पर कब यकीन किया है? On, Arvind. I'm not ready, Diya. Okay, I can understand that about others, but उसमें मालू को शामिल क्यों कर रहे हो? वो भी उस पास्ट का रिमाइंडर है. I don't wanna go there. किसी तरह मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 years, Arvind. फिलहाल मैं ये कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद में बाकी सब. यू हैव अ प्रॉब्लम? आई डू हैव अ प्रॉब्लम. मुझसे कट्टी हो क्या चाचू? छुड़ैल? मेरी शादी होने वाली है चाचू. क्या, तेरी? ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि मेरी भाग की शादी करने की खबर सुनी हो. अरे कौन है वो बदनसीब? बताती हूँ लेकिन रूबरू. अक्टूबर 2 को एंगेजमेंट है और नवंबर 4 को शादी होगी. आप आ रहे हो ना चाचू? अभी 3 महीने है ना. फोन पापा को देती हूँ. चाचू. मैं बोल रहा हूँ. 2 हफ्ते पहले ही आ जाना. यहां बहुत सारा काम है. मैं भागदौड़ नहीं कर सकता. तू आएगा ना? भाई मेरे साथ कोई और भी आने वाली है. इसे पार्टनर बोला तूने? इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ वहां तेरा बिजनेस भी है? सुनो चलो सब बच्चे अंदर जाओ. 10:30 बज गए हैं. सोना नहीं है तुम लोगों को? भाई मालू तुम भी. मैं live in relationship suna hai kabhi? Great selection chachu. Thanks. Bye. To chalo sote hain. Ye drive karke thak gaya hoga. Abhi bolo na. Ha bolti hu. तुम्हारे जाने के बाद नंदू का साइकिल क्रिकेट बैट वगैरह ऊपर वाले कमरे में है. मैं तुम्हारे लिए वहीं बिस्तर लगवाती हूँ. नहीं भाभी हम यहीं ठीक हैं. जीजू मुझे दे दो. गुड नाइट. कम. उस चीटिंग केस का फाइल कल सुबह दफ्तर पहुंचा दो.
वॉकी टॉकी की आवाज को मैंने बहुत मिस किया। वो टाइम्स में है ना? हाँ, एचआर में। बैठ जा। इवनिंग क्लास में हम दोनों एक साथ हैं, ऐसे पहचान हुई। उसकी नौकरी की वजह से हमारा गुजारा होता है। और पेरेंट्स? पुणे में। फादर एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ। बोल देना कि मैं ऑफिशियली मिलने वाला हूँ। पेंडिंग ज्यादा हो रहा है ना, प्रोसेसिंग में ध्यान रखना। भाई मैं चलता हूँ। सुन, तूने छुट्टी क्यों ली थी, यहां से क्यों हट गया कोई नहीं जानता, राधिका भी नहीं। नौकरी में प्रेशर बढ़ गया तो एक ब्रेक ले लिया, यही कहा है सबसे। ओके। ये देखने दो। इससे ज्यादा फूल पत्ती वाला डिजाइन इस पर अच्छा लगेगा। वो जरा दिखाइए ना। अपने लिए भी तो बनवाना पड़ेगा ना। क्या? चेन, मंगलसूत्र। किसके लिए? नहीं, एक छोटी सी रस्म करके हमें इसे पक्का करवाना पड़ेगा। अब देखो ना, शादी हो गई पूछेंगे तो नहीं, नहीं हुए पूछा तो पूरी तरह से ना भी नहीं बोल सकते ना। मालू के सास ससुर के सामने कौन है क्या है कैसे बताएंगे। सर चाय? अरे नहीं भाई, एक घंटे पहले तूने पिलाई थी। मुरली की। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यह किसी को मत बताइएगा। मुरली की बहन हुई है, जान गए तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। शायद आप नहीं जानते होंगे, परसों अपील का फैसला आया, भाई की उम्र कैद को हाईकोर्ट ने सही करार दिया। अब भी जी नहीं भरा आपका? आज मैं बेघर हूँ, घर बेच करके इस लड़ रही थी। आप जैसे बड़े लोगों को हरा सके उतनी ताकत तो उस छोटे से घर में नहीं है ना। मरने से डरती हूँ, इसलिए जीना तो पड़ेगा ही, ये मत छीनिए। मेडल के लिए, प्रमोशन के लिए या अपने बचाव के लिए ही क्यों ना हो, आपकी ये सफाई, खुला आसमान और बहती हवा।
जैकब का नाम है आपकी वारस में। अच्छी बात यह है कि उसकी सर्विस तुम्हारे जितनी नहीं है। आप ही कह दीजिए ना, गवर्नमेंट साइड में हमारे लोग हैं, मुंबई में पोस्टिंग हो गई तो आई विल बी हैप्पी। सर, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? यहाँ खास तुम्हारी मिमिक्री देखने के लिए आया हूँ मैं। जी, मैं अभी तक मिमिक्री कर रहा था सर, सुब्रमण्यम कमीशन वालों को रिपोर्ट सबमिट कर रहा था। सर, तुम सिटी वालों का रूरल में क्या काम? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं इट्स ओके, कैरी ऑन। बात यह है सर, एलेक्स सर अभी कोर्ट में अपने बाइकला जेल के जेलर सेबेशियन से मिले थे। आपका भाई आज मुरली से मिलने जेल में गया था कुछ 45 मिनट पहले। लेकिन वो तो मेरी फैमिली के साथ जेवर खरीदने के लिए शोरूम गया हुआ है। नहीं सर, वो दोनों मिल चुके हैं, उन्होंने 15-20 मिनट बात भी की। वहां से निकलने से पहले अरविंद सेशंस जज बालकृष्ण सर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, फोन पर बात करते हुए सेबेस्टियन ने सुन लिया। उसे शक हुआ तो उसने मुझे फोन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक सदस्य मुजरिम से मिलने जेल में क्यों गया? मैंने उसे ऐसे ही टाल दिया। कुछ अर्जेंट काम से जाना है बोल के वो गाड़ी लेकर चला गया, फिर हम लोग उबर करके यहाँ चले आए हैं। तुम्हारे पास इतने जेवर थे और फिर भी वो गाड़ी लेकर गया, इडियट। उसने बताया वो कहाँ जा रहा था? नहीं तो क्या बात है जी। और वो लड़की? वो तो यही है, उसे दो। This looks nice. दिया? इसके जैसा कुछ और हो तो बताइए। ये बहुत सुंदर लग रही है। अरविंद के बड़े भैया जी। हेलो, अरविंद कहाँ गया जानती हो? नहीं तो उस वक्त हमने थ्रेटनिंग लेवल में कहा, इसलिए वो चुप हो गया था। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जजमेंट के दूसरे ही दिन वो जेल में जाके कैदी से मिल रहा है और जज का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो मामला वाकई संगीन है सर। सर वैसे तो अरविंद के पास इस वक्त मुरली के फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं है। वो रैश ड्राइविंग वाला है ना चंदन माने। सर, ये आदमी इस वक्त कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस किस को कॉल कर रहा है, सारे डिटेल्स मुझे अपडेट करते रहो विद इमीडिएट इफेक्ट। यस सर। और ये बात, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर। दस मिनट पहले तक ओबेरॉय मॉल के पास था और अब हाइपर सिटी पहुंच गया है। अब ये कांदीवली वेस्ट की तरफ जा रहा है। बोरीवली लिंक रोड ट्रैफिक सिग्नल है लोकेशन। सर मैं डिविएट कर रहा हूं बोरीवली। वो जो महेश है ना, बोरीवली ईस्ट एसआई। जी हाँ सर, उसे कॉल करो। सर अपने केस के दौरान वो हेड कांस्टेबल था, तब अपनी टीम में भी था, लेकिन वो अंदर की बात नहीं जानता है। अब अचानक इस सिलसिले में हमने उसे कुछ बोल दिया तो उसे शक हो जाएगा और वो हमारा साथ देगा, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सही है, हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, ऐसा भी वो सोच सकता है। अपना ASI सज्जन सिंह वहां है ना? वही है सर।
ये फाइल यहाँ कैसे आ गई? अरे ये शेल्फ तूने देखा था ना? हाँ सर, पर ये फाइल मुझे नहीं मिली थी, अनजाने में कहीं। सितंबर 2017, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग चंदन माने, ये तो यहीं पर है। अगर टीआर फाइल में नहीं है तो वो भी इसी तरह किसी शेल्फ या अलमारी के नीचे बस ऐसे ही पड़ी होगी। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर, शाम को 4 बजे अरविंद के सेशन जज के साथ अपॉइंटमेंट है, जज साहब के घर पे। 4 बजने से पहले वो उस इलाके से बाहर नहीं जाना चाहिए। डू वॉट एवर इज नेसेसरी। वो वाला एड्रेस ढूंढ रहे हैं। इस फाइल के पेजेस और एड्रेस डिटेल्स जज साहब से मिलते समय मेरे पास होने चाहिए, और कुछ नहीं सबमिट करने के लिए। उस एड्रेस के बिना ये केस डेड है। आज आपने मुझसे जो भी बोला वो सब अगर उस दिन बोलते तो आज आप अकेले नहीं पड़ते। आपका साथ देता था ना सर। आज ये बात करने वाले तुम ही हो, उस दिन का अरविंद करुणाकर। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के कहने और सुनने में फर्क है। चंदन माने, सन ऑफ सोमा ने, कार्तिका, हाउस नंबर 24 बाई। नंबर 252 बार 17 फाइल वहां है ना? हाँ है सर। उस फाइल को लेकर मेरा ऑफिस आ जाना इमीडिएटली। सर, सज्जन सिंह है ना वहां पे? है सर। बुलाओ सज्जन सिंह। सर, सर तुमको भी आना है और वो फाइल तुम्हारे हाथ में रहेगी। सर, इसे मेरे पास रखने के लिए कहा है। मेरी गाड़ी है, उन्हें बोल दीजिए ना। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सर, पहले ये बोर्ड यहां नहीं था। पर अब तो है ना, ट्रैफिक स्टेशन में जाकर फाइन भरना और ले जाना। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। हमारी भी है। नहीं सर, वो यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगा, मैं देख लूंगा सर। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये कोई मेजर इश्यू है क्या सर? सर सॉरी सर, नहीं सर, सर सॉरी सर, 4 बजे तक मैं यहीं रोक दूंगा सर। सर वो कैसे गया? चाबी बाइक में ही थी, महेश सर के पहचान वाले थे इसलिए सोचा।
मैं ऑन द वे हूँ सर, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही सीधे वहां पहुंच जाएंगे। स्टेशन के कंपाउंड से चोरी हुई है, 379। सर महेश की शिकायत चाहिए ना, आखिर वो गाड़ी उसकी है। फिलहाल कस्टडी में ले लो, शिकायत बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। नॉन अवेलेबल है। इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने ही किया है। जब चार्जशीट फाइल की थी, सेशन कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट में अपील दर्ज की, तब तुम कहाँ थे? मैंने कोशिश की थी सर, हायर ऑफिशल्स को रिपोर्ट भी किया था, यहाँ तक आने की हिम्मत उस वक्त मुझ में नहीं थी। अजीत करुणाकर एल्डर ब्रदर है कहा था ना? जी हाँ सर। यू आर यंगेस्ट? यस सर। तुम्हारी फैमिली में बंटवारा सब हो गया, जायदाद घर वगैरह का? पूछना तो पड़ेगा। काफी वक्त तक एकदम साइलेंट रहने के बाद सब क्लोज करते समय ऐसे एक क्लेम के साथ आओगे, उसमें तुम्हारा हिडन इंटरेस्ट क्या है ये तो पूछना ही पड़ेगा ना। रुपए या चीप पब्लिसिटी या उस टीम के किसी मेंबर के साथ रिवेंज, पूछना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा। जब भी किसी की मर्जी करे आया जाया करने का प्लेग्राउंड नहीं है अदालत। कोई भी एविडेंस है? सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, जिसे देख सके, जिसे छू सके, ऐसा कोई एविडेंस? जरूर है सर, मैंने कहा ना उस दिन रैश ड्राइविंग के लिए फाइन भरने वाला चंदन माने। तो पेश करो उस आदमी को, नहीं तो फिर उसका व्हीकल नंबर, एड्रेस, वेयर अबाउट्स, उसी दिन ये केस रीओपन करूंगा। सर बांद्रा पुलिस इंस्पेक्टर कुछ जरूरी काम से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेट हिम इन सर। सर। यस, व्हाट इज द मैटर? बोरीवली ईस्ट स्टेशन से अभी एक मैसेज आया है, इनके नाम पर वहां एक शिकायत है कि इन्होंने स्टेशन के कंपाउंड से एसआई की बाइक चोरी की है। इंफॉर्मेशन मिली कि ये यहां पर है इसलिए आया हूं, और बाइक भी बाहर मौजूद है। चाबी देना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके बाइक ले आना। सर। सर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे है। चाबी दो। अक्कड़ दिखा रहा है। छोड़ना जोशी, छुट्टी पे नहीं गया होता तो तेरे पोस्ट पे मैं होता, तो अक्कड़ तो लाजमी है। तुम पर लाल रंग बहुत जचता है, इसलिए तुम्हारे लाडले भाई ने खुद इसे सिलेक्ट किया है। आराम से। अगर स्नैक्स कम पड़ जाए तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। बहुत है, अश्विन ने कहा है कि वो एक बार सबसे मिलकर फौरन लौटने वाले हैं। देखो आ गया वो। मैं अभी आई। जीजू तुम अब तक कहाँ थे? फोन भी नहीं उठाया। मेरा एक फ्रेंड आया भाभी, उसने कॉल किया तो मैं। अगर ऐसी बात थी तो दिया को तो बताना चाहिए था ना। अपने हाथों से दे दीजिए। लगता है वो लोग आ गए। ये वहां रख देना। ये यही रखती हूँ। Just make sure, okay? Was she expecting such a bad result? Haan. Come. Hello. Meet my favorite uncle, Arvind Karunakar. Hi, hi. अच्छा हुआ अरुण चाचा ने नहीं सुना। हमेशा आपके बारे में बोलती रहती है। उनमें से अच्छी बातों पर यकीन करना। Let's click a selfie. Yes. The phone. वो तो जो पापा, पापा, phone. दरअसल ground पर निकला। अशोक. हाँ. थोड़ा ऊपर करना। Okay. हाँ. मैं भूल गई, ये दिया दे दिया छोटे चाचू की। हाँ समझ गया। हाय। हाय। अच्छा चाचू। हाँ मुझे क्लिक करना पड़ेगा।
दिया हेल्प मी फ्रेम इट मुझे दिखाओ बस ना बस नाइस पिक्चर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी एंगेजमेंट के बाद तुम फॉरेन चले जाओगे हाँ, मेरा फोन कहाँ है? शॉपिंग टुमारो या श्योर जाएंगे ना अश्विन हाँ बिल्कुल जाएंगे देन मेक श्योर यू गेट एवरीथिंग हाँ अब तुम दोनों बात करो मैं चली ओके बाय द वे गेट टुगेदर अच्छा था अरविंद इट वाज फन आई एम रियली चलिए अश्विन नो प्रॉब्लम यू गो अहेड चंदन माने नेवी वाले चंदन माने जी हाँ पहले वो यहीं भाड़े पे रहते थे ये मेरा घर है मैं अपनी फैमिली के साथ अब यहीं रहता हूँ आप चंदन माने साहब के मेरी पुरानी जान पहचान है हाँ कई सालों से टच में नहीं हूँ पता ढूंढा तो यहाँ का मिला उनकी कोई जानकारी है आपके पास अरे ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था हमने उन्हें बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की आइए इधर से मीनू जी हमने पुराने नंबरों पे ट्राई किया कोई फायदा नहीं हुआ ये अपने चंदन माने साहब के दोस्त हैं नाम आनंद हाँ आनंद बैठिए नेवी में आप दोनों एक साथ थे नहीं बाहर की जान पहचान है मुंबई में मिले थे मैं भी यही सोच रहा था आप दोनों बैचमेट तो नहीं हो सकते
रेंट के अग्रीमेंट में एड्रेस होगा ना? एग्रीमेंट करूं? उस आदमी के साथ? जिस आदमी को ईश्वर ने भेजा उसके साथ एग्रीमेंट? हमने एक रुपया भी किराया नहीं लिया उनसे। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तब ये 43 साल की थी और मैं 46। 6 मंदिरों में चंदन साहब जाके हमारे लिए पूजा पाठ करवाए थे। देखिए, उसे खास हमारे लिए बनवा के लाए थे। 10-15 साल से जो काम डॉक्टरों से ना हो सका वो काम ईश्वर की दया से उन्होंने कर दिखाया। ये क्या है? मैं चाय लाती हूँ। बच्चा चाहिए तो एक उम्र के बाद दोनों में आकर्षण होना चाहिए ना। उस आकर्षण के लिए उनके पास कुछ उपाय होता था शायद। पैसे कितने लिए सब मिला के? एक्चुअली मुझे भी ऐसी ही कुछ जरूरत है। इसकी कौन कीमत लगा सकता है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर भी मैं अफोर्ड कर पाऊंगा ये जानना है। हमारा लगा कोई 4-4.5 लाख, 10 मांगते तो भी देते। वारिस की कोई कीमत नहीं होती। उन्हें गए वे कोई 3 साल हो गए। हम कंपनी के फ्लैट में थे इसलिए वो यहाँ रह रहे थे। तब तक उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त थे और वो नेवी भी छोड़ चुके थे। कल्याण के आसपास कहीं उनका घर था। पता लगाने की हमने बहुत कोशिश की, वो सिर्फ हमारे लिए प्रकट हुए, आशीर्वाद दे दिया और फिर कहीं चले गए। हमारे लिए वो ईश्वर समान है। ये केस मैंने प्रूफ किया तो 5 साल तक की सजा है, मुझे भी भाई को भी। हमारी फैमिली में ये सभी को अफेक्ट करेगा, तुम्हें भी हमें भी। आई नो, बट अरविंद, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। वन मिस्टेक और उसकी वजह से तुमने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। दैट्स व्हाट मेड यू स्पेशल, दैट्स व्हाई आई फेल इन लव विद यू। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, our happiness or the freedom of an innocent man? बेटी के एंगेजमेंट में आ नहीं सका, अरविंद ने बताया फंक्शन अच्छा हुआ। रात को 11 बजे घर पे आके लीव कैंसिल करवा के रीज्वाइन करना है कहने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जब सिटी पोस्टिंग चाहिए ऐसा पूछा तो कहा कि बोरीवली ईस्ट चाहिए। वहां के एसआई महेश को सिटी में म्यूचुअल ट्रांसफर में दिलचस्पी थी इसलिए इट वॉज ईजी। सुबह ज्वाइन करने के लिए जाते समय भी मुझे आके मिला था।
रीजॉइनिंग की खबर किसी दूसरे से मिली। अच्छा है। बानखेड़ा अमरावती कल सुबह ज्वाइन करना है। तुम्हारे वहां पहुंचते ही वहां के एसआई को रिलीव करना है। आज ही निकल जा, काफी दूर है। यहां से बहुत ज्यादा दूर। यहां का काम संभालने के लिए और लोग हैं। उस लड़की को उसके घर पहुंचाना होगा। डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स और एथिक्स हैं। वन मोर थिंग, मालू की शादी में यहां तक आने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए। बादला हुआ है अमरावती में। आते ही ऐसे कैसे साहब? ये 5 पोस्टर हैं। एक अपने होटल में लगा देना, बाकी लोगों की नजरों से बचा के अलग अलग जगह पे लगा देना। बोरिवली से बोल रहा हूँ, आप चंदन माने साहब हैं ना? हाँ सर, शादी होके 8 साल हो गए, बहुत सी तरकीबें आजमा की देखी, आपको ये इलाज कर सकते हैं सर। नाम क्या बताया? बीजू के जॉर्ज। बोरिवली में मैं रहता था 2 साल पहले। अब मुझे पता नहीं चला सर। मैं मार्टिन को जानता था जिनका खून हुआ था। अच्छा साहब, ये इलाज कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जैसा कुछ है? नहीं, बच्चा होने के लिए कुछ खास पूजा और तंत्र मंत्र हैं। तो मैं देखकर ही बोल पाऊंगा उनमें से क्या क्या करना है। ठीक है साहब। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। काफी नहीं है? काफी है। तो फिर जाओ।
दो तीन जगह चिपकाया है। एक तो रामू के बेटे के होटल में, हमारे कांस्टेबल्स के पूछने से कोई अनजान आदमी उसे पोस्टर्स देकर चला गया ऐसा कह रहा था। उससे ज्यादा सख्त पूछताछ करने के लिए हमारे पास और कोई वजह भी नहीं है। फोन नंबर तो अभी तक अरविंद के नाम पर ही है और वो महेश भी सब जगह छानबीन कर रहा है। सर, अरविंद से आप एक बार फिर बात करें तो? क्या, जो भी बात करनी है हो चुकी है। वैसे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मामला छोड़ेगा। अमरावती से यहाँ आना पड़ेगा ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसे डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है, ऐसा मैं उसके सुपीरियर्स को बोल चुका हूँ। वो लोग देख लेंगे। मेरी बात वो नहीं है, ये मामला कहीं बाहर आया। अपने बनवारी लाल जी का किस्सा याद है ना? गलत आदमी को लॉकअप में टॉर्चर किया था, इस वजह से उनका जीना काफी मुश्किल हो गया था। पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ा। सिर्फ उनकी नहीं, इस तरह के केस में फंसे हुए हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई सर। हाँ बिल्कुल, मीडिया को अगर इसकी भनक भी लग गई तो बात हाथ से निकल जाएगी। पेंशन की रकम से बड़ी मुश्किल से दिन निकाल रहा हूं सर। बाईपास और इलाज की वजह से कुछ भी नहीं बचा है। लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है और लड़के की पढ़ाई भी बाकी है। ये परेशानी झेली नहीं जा रही है सर। डोरबेल या फोन की घंटी जैसे ही बजती है मैं अंदर से कांप जाता हूं। कुछ नहीं होगा मदन लाल, मैं हूं ना यहां। सीताराम सर वाज आस्किंग अबाउट यू, पूछ रहे थे कि कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं। आई डिडंट से एनीथिंग। और वहाँ के क्या हाल है, क्लाइमेट वगैरह? हम जहाँ भी जाए एक ही क्लाइमेट है, ज़्यादातर गर्मी और एक आध बार बारिश। गेटिंग यूज्ड टू इट। अब सीताराम सर से टेक योर टाइम, आई थिंक यू नीड इट। मैंने प्यार किया साहब, बहुत ज्यादा प्यार किया सर। अब यस आई साहब, बोल दो उनसे। हाँ हाँ। साहब, मैं इन साहब से यही कह रही थी कि मैंने किसी से प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। इसमें देख लीजिए साहब, सब उसी के मैसेज हैं। कुल 1120 मैसेज हैं। अब ये वाला पढ़िए, आई विल कम टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड विथ यू। मतलब वो इस दुनिया में मेरे साथ। तुमने अपना नाम क्या बताया? जानकी। शादी हो गई तुम्हारी? पति छोड़ के चला गया, इसकी भी बीवी मर गई, नासिक एमएससीबी में है, दीपक मिश्रा। वहाँ नया घर बना रहे थे इसलिए मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे उसने, और मैंने भेज भी दिए थे। एक हफ्ते बाद उसने वो पैसे मुझे लौटा दिए साहब। ये देखिए साहब, घर का फोटो, अभी तक काम चल रहा है। गृह प्रवेश और शादी एक साथ करेंगे कहा था उसने। अभी कुछ दिन पहले 1,00,000 रुपए की जरूरत है कहा। वो भेजने के बाद कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तुमने उसे देखा ही नहीं? नहीं साहब, चैटिंग से मुलाकात हुई थी। आने वाली 25 तारीख को मेरे बर्थडे पे खुद आके मिलेंगे कहा था, लेकिन चंदन माने अपनी 2-4 फोटो पहचाना मुझे, मुजीब नाम है मेरा। मैंने आपको चुप कुत्ते की औलाद, मुझे पहचानने में तकलीफ हो रही है? 2 साल बाद बाहर आए तो तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तू सांप के बिल में भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ कर बाहर निकाल ही लूंगा। आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? साहब, अब ब्याज भरने का पैसा भी मेरे पास नहीं है साहब। वो मिले या ना मिले, बस मेरा पैसा मुझे मिल जाए और मेरी वो फोटो जो उसके पास। साली, जिसका चेहरा तक नहीं देखा ऐसे आदमी को 1,00,000 रुपए और अपने फोटोज भेज के यहाँ पर रो रही हो? मुजीब, अबू, उसने कहा था कि सोने की चेन में जादुई ताकत है, अगर 6 महीना इसे घर में रखोगे तो तुम्हारी बेटियों का निकाह हो जाएगा। मैं उसकी बातों में फंस गया।
मुझसे 2.5 लाख रुपया लेके कहा कि मैं चेन लेकर आता हूँ और चला गया। पैसा ब्याज पर लिया था साहब। कैश दिया था आपने उसे? जी हाँ, उस पर भरोसा न करने की कोई वजह ही नहीं थी साहब। उसका सुलूक बहुत ही नेक था, तभी तो मैंने उसे अपना ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दिया। उसका एड्रेस है ऐसा कुछ? इतना जानता हूँ कि कल्याण का रहने वाला, आधार कार्ड उसने दिखाया था मुझे, लेकिन उस वक्त उसके उस पहचान पत्र की कॉपी लेने की मुझ में बुद्धि नहीं थी। बाद में पता चला वो मुलुंड में कहीं रह रहा है। जब मैं ढूंढते हुए वहां गया तो वहां से भी चला गया। वो मार्टिन का घर है ना, जिसका खून हुआ था? जी हाँ। घर इतना करीब है तो जब जिंदा थे तब शायद वो भी जानते होंगे इस चंदन माने को। जानते थे साहब, मैंने ही पहचान कराई थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था ना, उसने कहा कि वो इसके लिए पूजा पाठ वगैरह जानता है, तो मैंने उसे मार्टिन साहब से मिलवाया और फिर उसने उस सिलसिले में कुछ पूजा पाठ वगैरह भी उनके घर पर किया था। उनसे भी उसने एक अच्छी रकम हड़प ली थी साहब, लेकिन उसकी वसूली करने से पहले ही मुरली ने उनका खून कर दिया। दफनाने के वक्त भी वो वहीं मौजूद था साहब। हेलो, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कल्याण। अमरावती भानखेड़ा स्टेशन का एसआई अरविंद करुणाकर। नमस्ते सर, मैं सिविल पुलिस ऑफिसर अनवर। एक आदमी की डिटेल्स जानना चाहता हूँ, जस्ट अ क्राइम बैकग्राउंड चेकिंग। चंदन माने। सर फुल नेम? नहीं जानता। एड्रेस? नहीं। अनवर, मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है। चंदन माने, दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन। अभी हाथ से निकल गया या पहले से ही भाग रहा था? कभी हाथ ना आने वाला, ये मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। 5 लोग हैं, जिनमें से एक पिछले 3 साल से जेल में है। अगर कुछ स्पेसिफिक मिल जाए तो। उम्र कोई 35-40 के बीच? 3 लोग। उन पर क्या चार्ज है? अनवर, स्पेशल ब्रांच में इंक्वायरी कर रहा था। फिलहाल कोई केस नहीं है, लेकिन ये चंदन माने का पासपोर्ट वेरिफिकेशन 2 हफ्ते पहले हुआ। परसों रात की फ्लाइट। सर अर्जेंट है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। अभी निकलूंगा तो परसों दोपहर तक लौट आऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? 2.5 साल की छुट्टी के बाद ड्यूटी पे रिजॉइन करके 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अब से पूरे 1 साल तक चाहे कुछ भी हो जाए, छुट्टी का नाम लेके मेरे पास मत आना। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे मुंबई से ही खबर मिली थी। नाउ गेट बैक टू ड्यूटी सर। हाँ सुनो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था क्योंकि तुम्हारे नाम पर महिला कमीशन से शिकायत आई है। किसी महिला से तुम बदतमीजी से पेश आए? तुम्हें क्या उसका केस दर्ज करने में कोई तकलीफ है? नहीं सर, एक फोन नंबर ट्रेस करना है, उसके मिलते ही मैं FIR। आज टाउन हॉल में कमीशन की सिटिंग है, वहां जाके एक्सप्लेनेशन दे देना, समझे? सर। आइए। इस लेडी को आपने साली बोला? जी बोला। देन प्लीज अपोलोजाइज टू हर। मैडम, जिस दिन इन्होंने शिकायत दर्ज की उसी दिन इनकी जानकारी पर हमने इंक्वायरी शुरू की। नासिक MSEB में दीपक मिश्रा नाम का कोई नहीं है।
इन्होंने जो फोन नंबर दिया वो कल्याण के किसी रोनी का है। उसका वेयर अबाउट्स आज ही मिला है, आज ही कल्याण क्राइम स्क्वाड को मैसेज किया है। लेकिन केस की संगीनता के मद्देनजर मैं और मेरे सबॉर्डिनेट्स कल्याण जा रहे हैं इसी वक्त। ये ऑफिशियल मामला है एंड वी रियली अप्रिशिएट इट, बट यहां बात वो नहीं है। सॉरी। वो नाम मेरा है, एड्रेस भी मेरा है, यहाँ के स्टेशन में दर्ज किए गए केसेस भी मेरे नाम पर ही हैं। लेकिन उनमें इल्जाम जिस पर है वो आदमी जिसे आप अभी ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। किसी ने मेरी आईडी का इस्तेमाल किया, मेरा नाम इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया। नेवी से रिटायर होकर अच्छी खासी एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले मुझ पर क्या इल्जाम है जानते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, हवाला, वीसा की हेराफेरी, गाड़ियों की चोरी, तंत्र मंत्र। 1.5 साल से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। थाने और अदालत के चक्कर काटे, रिमांड में जाना पड़ा, नौकरी चली गई, मुकदमा लड़ा, फिर मैं बेकसूर साबित हुआ। लेकिन जिस तरह मैं अदालत को समझा पाया उस तरह लोगों को नहीं समझा पाया। धोखा खाने वाले लोग दिन रात चंदन माने को ढूंढते मेरे घर पर आ रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे देखकर विश्वास किया, कुछ लोगों ने देखकर भी नहीं किया। गांव वाले करीब नहीं आने देते मुझे और मेरे परिवार को। ये मेरे लिए एक आखिरी रास्ता है। सिक्योरिटी की नौकरी है, बच्चों की फीस भरनी है ना, खाना खिलाना है ना सबको, इसे भी मिटाना है। हाँ मिटा दो, और भी केसेस मेरे सिर पर थोपना है, थोप दो। सर, तुम मुजीब से पूछो क्या यही चंदन माने, जितनी जल्दी हो सके। दरअसल इस वक्त मैं फ्यूनरल में आया हूं, अपने मदनलाल जी की डेथ हो गई कल रात को, हार्ट अटैक आया उन्हें। ये तो बच गया है ना? महेश, ऑल द बेस्ट। उसे ढूंढ के आने वालों में ये आदमी भी था।
इसी का खून किया था ना ऑटो वाले ने? तेरा धंधा है ना सर? वो कॉल मेरे फोन से नहीं गया था सर। तो फिर सिम तेरे नाम पर कैसे है? मंत्रालय में काम करने वाले रजत सकरिया सर के लिए मैंने वो नंबर दिया था सर। मुझे जहाज में नौकरी दिलाने के लिए विदेशों में कॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने वो सिम लाके उनको दिया था। आप जाके पूछ सकते हैं सर, रजत सकरिया मंत्रालय में टूरिज्म डिपार्टमेंट में, वो खुद यहाँ आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, डेड एंड। 10:45 का मुहूर्त है, मारू ने खुद इनवाइट किया है इसलिए मैं। अच्छा किया, ये उसे देना पर भाई को ना पता चले। अब यहां मेरा कोई काम नहीं है, शाम को अमरावती लौट जाऊंगा, फिर सब कुछ पहले की तरह। हाड़ में जाए मुरली, जान में जाए। रजिस्टर देख लिया सर, रजत सकरिया यहीं पर है, उसने सही कहा, टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही है। रजत सकरिया कहाँ है? वहां चौथे टेबल। ओके। राजी सकरिया स्टेशन से आए हैं ना? एसआई साहब ने तो कहा था कि आप दोपहर के बाद आएंगे, आइए बैठिए। अस्पताल में मैंने जो बयान दिया था इसमें भी वही है, शायद आपके लिए काफी हो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। मेरा नाम रजी सकरिया, मंत्रालय में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी करता हूँ। पिछले कई हफ्तों से मेरे नाम और आइडेंटिटी की मदद से कोई अनजान आदमी लोगों को ठग रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। पिछले 3 हफ्तों में उसके हाथों अपने पैसे लुटा चुके 3 आदमी जब मुझे ढूंढते हुए मंत्रालय आए तब मुझे ये बात पता चली। उनमें से एक के पास से उसका फोन नंबर लेकर मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दे। उसने मुझे 25,000 रुपयों के साथ अक्सर टापू पर बुलाया और कहा कि 2 नंबर का लेन देन होने की वजह से मैं इस बात को एक राज ही रखूं। किसी को बिना बताए मैं अकेला ही एक नाव में आ गया था यहाँ। अपने पास एक चाकू रखा था मैंने, सोचा शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। मुझे जानना था कि वो कौन है और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मेरे आधे घंटे के इंतजार के बाद वो यहाँ पर आ गया। आया नहीं, यहीं कहीं छुपा हुआ था, बस बाहर निकल आया। तब तक वो मुझ पर नजर रखे हुए था। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, ये तो वो समझ गया। तू कौन है मेरे ये पूछते ही उसने एक पेपर स्प्रे निकाला और मेरे मुंह पर छिड़क दिया। आंख ना खुलने की वजह से मैं यहीं पड़ा तड़पता रहा। फिर उसने एक लोहे की रॉड मेरे सिर पर दे मारी
दो या तीन बार, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। देखिए यहाँ खून के निशान अभी भी हैं। होश आया तो मैंने देखा कि मेरा आधा सिर कीचड़ में था। मर गया समझकर वो मुझे यहीं छोड़ गया। सीपियां चुनने आई कुछ औरतों ने मुझे देखा और लोगों को बुला लिया। इस तरह मैं बच गया। बड़ा चालाक है वो, यहां बदबू आ रही है ना। आइए सर। इसे यहां मारकर छोड़ गया ताकि जब लाश की बू आए तो लोगों को लगे कि वो बू इससे आ गई। दिखने में वो कैसा लगता है? एकदम गोरा चिट्टा, अच्छी हाइट और गठीले शरीर वाला। उसके हाथ में एक लंबा कटे का निशान भी है। कद 6 फुट से भी ऊपर होगा, एकदम गोरा रंग, अच्छी सेहत, बिल्कुल टिप टॉप रहता था। और एक खास बात यह है कि उसके बाएं हाथ में यहां से यहां तक एक लंबा घाव का निशान था। कहा था कि यह एक एक्सीडेंट में हुआ है। दिन पहले गृह प्रवेश हुआ है। घर किसी श्रीनाथ का है, वो अपनी फैमिली के साथ शिरडी गया है। वो फोटो दिखाना सर। ये फोटो यहां से क्लिक नहीं किया है।
कौन है? पुलिस। तुम कौन हो? मैं पीछे वाले घर में रहता हूँ। इस घर की देखरेख मुझ पे छोड़ी हुई है। तो यहाँ कौन रहता है? एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन सर, भाड़े पर। कहाँ है वो? घर गए हैं, कहीं बहुत दूर है। कुछ बताया कब वापस आएंगे वो? मंगलवार नहीं तो रविवार। मंगलवार को तो आए नहीं, मुझे लगता है वो कल जरूर आएंगे। वो हमेशा बताए हुए दिन पर वापस आ जाते हैं? जी, दोपहर के पहले पहुंच जाते हैं। ये घर किसका है? वो सब विदेश में है। साहब की मौत के बाद किराएदार ढूंढने की जिम्मेदारी बच्चों ने मुझ पर छोड़ दी थी। रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। नहीं बनाया। पहचान पत्र? नहीं है। झूठ बुलाना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो कैश देते हैं, घर की देखरेख करने के बदले में बच्चों ने कहा वो मैं ही रख लूं, इसलिए मैंने। इनमें से वो कौन है? इनमें से कोई नहीं है सर। गोरा रंग, 6 फुट, बाएं हाथ में कटे का निशान। हाँ वही है विनय मोहन सर। मार्टिन और शिवा को बच्चा चाहिए था, मुजीब को जीने का रास्ता, जानकी को एक साथी और रॉनी को नौकरी। सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर। तब किसी को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह दूरी मुझे वही लाएगी जहां से सब शुरू हुआ। सभी एविडेंस को एक साथ जोड़ने के लिए अब जरूरत है उसका बयान, उसका नाम और उसका चेहरा। एक आदमी अंदर, एक यहां पर। बुड्ढे को बाहर जाने मत देना। सर। एसआई साहब यहां नहीं है, एक केस के सिलसिले में क्रेमेटोरियम गए हुए हैं, आप वेट कर लीजिए। क्रेमेटोरियम कहां है? यहां से लेफ्ट जाकर सीधे जाएंगे तो आधा किलोमीटर। हाँ, मैं वहां जाके मिलता हूँ। आप अजीत सर के छोटे भाई हैं ना? हाँ। मैं अजीत सर को अच्छे से जानता हूँ, इस एरिया में अगर उन्हें कोई काम है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं। बस अभी हम पहुंच जाएंगे। सर के आते हैं साइन लेने। ठीक है। एसआई साहब? सर वहां पर है, आइए। 2019 नवंबर 5, मंगलवार को सुबह होने से पहले एक अनजान गाड़ी से कुचली हुई लाश को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बरामद किया गया। मरने वाले का कद 6 फुट 2 इंच,
रंग गोरा, वजन 94 किलो, उम्र लगभग 35 से 40 के बीच, और गर्दन पर तिल और बाएं हाथ पर एक लंबा निशान। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। कहिए। नहीं, और कोई डिटेल्स नहीं है। किसकी मौत हुई? कोई आइडिया नहीं। पिछले 4-5 दिन से लाश मॉर्चरी में रखी हुई थी, अखबार में भी दिया था। उसका नाम या और कोई डिटेल्स? इसका जो फोन था वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, और इसके पर्स से हमें कुछ पैसे और 8-10 विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। उनमें एक एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन का भी था। पूछने पर पता चला कि वो कोई और आदमी है। वैसे आप हाईवे में यहाँ पड़ी मिली है? मैं अमरावती भानखेड़ा स्टेशन का एसआई। अच्छा, केस से कनेक्टेड कोई आदमी तो नहीं? फोटो या और कुछ? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। एक्सीडेंट के बाद कई और गाड़ियां इसको कुचल कर निकल गई थी। चेहरे की पहचान हो सके ऐसी कंडीशन में नहीं थी लाश। विपिन सर। और कुछ जानना? हेलो सर। हेलो, यस सर, जी सर, सर। माना कि कुछ नाम है, पर कोई आदमी तो नहीं मिला ना। जब तक वो नहीं मिलता, इन चीजों का कोई फायदा नहीं। ट्राई हार्डर। वो मिल जाएगा। इंदौर में ही है वो। वहां एयरपोर्ट के पास में ही एक होटल में रुका है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 2-3 दिन वहीं रहेगा। मैं कल वहीं जा रहा हूं। आपको बिना बताए जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि आपको ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल सुबह निकल जाऊंगा बिना किसी को डिस्टर्ब किए। हे प्रमोद, जिसे तुमने ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा था, उसे आज देखोगे तो पहचान पाओगे। क्या हुआ सर? अरे बोल ना, पहचानोगे? जरूर सर। तू एलेक्स को लेकर यहाँ आ जा, हमें इंदौर जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। इंदौर जाना है? पर किस लिए सर? तू आ ना, बताता हूँ। आता हूँ सर। ये क्या? 2 दिन की ट्रिप के लिए मेरा सामान पैक करना, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात गए, आप आखिर कहाँ जा रहे हैं? कल अश्विन और मालू जा रहे हैं ना? अरे तुम पैक करो ना।
स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर 3 पुलिस ऑफिसर्स केस की इंक्वायरी के सिलसिले में इंदौर जा रहे हैं। वो भी एक ऐसे केस की इंक्वायरी जिसका फैसला हाईकोर्ट सुना चुकी है। उस केस से संबंधित कुछ खास एविडेंस उनके पास मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। वो दोपहर तक धूले पहुंच जाएंगे। होंडा मेज। अजीत, यस, एलेक्स, प्रमोद, हाँ मैं ही एलेक्स हूँ। प्रमोद, आप लोग कहाँ जा रहे हो? Who are you? SSB, स्टेट स्पेशल ब्रांच। क्या बात है? इंदौर जा रहे हो ना? दिस इज अ पर्सनल ट्रिप, महाकालेश्वर। जरा डिक्की खोलना। Hey, no! पहले आप बताइए बात क्या है। आई एम अ DYSP, आई नीड टू नो। शोर मत कीजिए, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वी हैव ऑर्डर्स। जरा साइड हो जाओ। कम ऑन। तो अपने सुपीरियर को फोन करो, मैं बात करता हूं। प्लीज। ओपन इट। इन्वेस्टिगेशन फाइल? जी हाँ। पर्सनल ट्रिप में ये किस लिए? इससे कनेक्टेड कुछ जानकारी हासिल करनी थी। मतलब ये पर्सनल नहीं, ऑफिशियल है ना? कोर्ट ने तो इस केस को डिस्पोज कर दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसका कोर्ट ऑर्डर है इसमें? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी है? प्लीज कम विद अस। जज साहब बुलाएंगे, आप बैठिए। डॉक्यूमेंट सब रेडी है ना? रेडी है सर। जीत गया ना? किसी भी वक्त जज साहब बुला सकते हैं। अच्छा, कन्फेशन हो गया, मुजरिम भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए? फाइंडिंग्स तुम्हारे हैं, बताने से सरकारी गवाह बन जाओगे, टोटली फ्री। चालाक। सरकारी गवाह बनेंगे तो सब एक साथ, सजा भुगतनी पड़े तो वो भी एक साथ मिलकर सब कुछ किया था ना? वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। अकेले जीत हासिल करने का इरादा नहीं था इस पल तक। अजीत करुणाकर के लीडरशिप में हुई इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स है उस फाइल में। यही होगा मेरा बयान, यही होना चाहिए हमारा बयान। आप मेरे हीरो हैं, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। फाइल के साथ अंदर आइए। उस फाइल में एक एडिशनल लाइन है,
मार्टिन शिबा मर्डर केस का एक्यूज्ड अब जिंदा नहीं रहा, ही इज डेड। बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए पनवेल स्टेशन एरिया के सरकारी शमशान में दहन कर दिया। नाम या और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। That's my final finding. Our final finding. मुरली को रिहा कर दिया गया। तो मुरली से मिले? नहीं। When will you reach? मैं अमरावती से निकल चुका हूँ, क्वार्टर खाली कर दिया है। मुझे कुछ चीजें पिकअप करनी थी। हाईवे पर जाम नहीं रहा तो कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। ओके। डीन ने कहा है कि उसने कोई मेल भेजा है? हाँ कुछ देखा था लेकिन ओपन नहीं किया। Just take a look and reply before you reach. Cost requirements and some deadlines. Basically asking about your plans. Plans? अब सस्पेंशन, आगे इंक्वायरी, डिसमिसल, फिर सजा। हो सकता है जिंदगी की कुछ खुशियां आप नहीं मिलेंगी, फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, लेकिन फ्यूचर और खुशियां मिलने से पढ़कर आई फील फ्री नाउ। बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से सो पाया हूं। आप मेरे पास में हो ये मैं जानता हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं आपके पास हूँ ये आप भी जानते हो। अगर आप एक स्मार्ट पुलिस वाले हो तो मैं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट चोर हूँ, इसलिए ज़िंदगी में कभी हम दोनों का आमना सामना हुआ तो मैं आपको पहचान सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाओगे, इसलिए आखिर तक मैं ज़िंदा रहूँगा। आपका चंदन माने, बेनॉय वर्गिस, दीपक मिश्रा, नवाज़ मोहम्मद, राधा कृष्ण, ऐसे सैकड़ों नामों में से एक नाम। मौत से पहले तेरा लिखा खत, इसे लिखते वक्त तू नहीं जानता था कि खुद को बहुत सारे नकली नाम देने वाले, तेरा अंत एक लावार इस बेनाम की तरह होगा और उस अंत का एकमात्र गवाह होगा अरविंद करुणाकर।